एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर हैं, बद्दी वो पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। चुनावी प्रचार द्रौपदी मुर्मू ने आरंभ कर दिया है और हिमाचल से उन्होंने चुनावी प्रचार का आरंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विपिन सिंह परमार जी, अपने नई यात्रा के लिए और इस चुनाव प्रचार के लिए शुरुआत देवभूमि हिमाचल से की है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि आभार करता हूं। देश के करोड़ों लोग यहां देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने आते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जहां एक और देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, यहां से सभी का सहयोग समर्थन और वोट भी। उनकी वैल्यू निकाली हुई है वो 700 होगी। एमपी कोई राज्यसभा का लोकसभा का वोट करेगा तो उसकी वोट वैल्यू 700 होगी। ये अपने को जानकारी में इसलिए जरूरी है कि वोट कैंसिल हुआ, खराब हुआ तो हमारा कितना वैल्यू खराब होने वाली है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, वोट देते समय आपको मोबाइल और पेन नहीं लेके जाना है। आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा लेकिन मैं यहां आपको आग्रह करता हूं कि आप मोबाइल दूर रखिए। कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मोबाइल का क्या विषय, ये सीक्रेट बैलेट है जी।